नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस की हीला हवाली पर लगाया आरोपियों से सांठगांठ का आरोप। संभल में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में वक्ताओं ने पवासा की नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने, आरोपियों पर पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करने की पुरजोर मांग की है और अब तक पुलिस द्वारा की गई हीला हवाली पर आक्रोश व्यक्त किया गया। पवासा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तथा मास्क आदि का प्रयोग करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अमरपाल सिंह के निवास पर बैठक हुई। बैठक में एक माह पूर्व अपहरण की गई युवती के भाई राजेश सैनी ने पुलिस कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया था तथा मनमर्जी रिपोर्ट बनाने और बयान लेने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा कि खेत में काम कर रही नाबालिग युवती का अपहरण करना, दो दिन बाद युवती के भाई की उसी के घर में आकर पिटाई करना और फिर पैसे का लालच देना तथा राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करना अत्यंत गंभीर मामला है। आरोपी अपहरणकर्ताओं का खुला घूमना अत्यंत घातक है। अमरपाल सिंह ने कहा कि पर्दे के पीछे युवती अपहरण मामले को शांत करने, राजनीतिक दबाव तथा अन्यायनीय प्रकार से अनैतिक दबाव बनाकर मामले को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने युवती पक्ष को अंधेरे में रखकर मनमर्जी कार्यवाही के लिए पुलिस विभाग की भर्त्सना की। बैठक में वीरपाल सिंह, शिशुपाल सिंह सैनी, राजेश सैनी, मोहित राघव आदि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद पवासा प्रखंड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह राघव ने की, संचालन वीरपाल सिंह ने किया। बैठक के उपरांत विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिले, उन पर हुए हमले, अपमान, धमकी तथा अपहरण की दुख भरी दास्तान सुनी। ढांढस बंधाते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि परिवार को हर कीमत पर न्याय दिलाया जाएगा, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कमर कसकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। साथ ही पीड़ित परिवार जनों से संयम और धैर्य रखने की बात भी कही। पवासा में 20-25 दिन पहले जो घटना नाबालिग बच्ची के साथ हुई और उसके अपहरणकर्ता पुलिस की संजीदगी के कारण नहीं, समाज की संजीदगी और क्रियाशीलता के कारण रंगे हाथों पकड़े गए। चार व्यक्ति नामजद हैं, एक व्यक्ति केवल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है ऐसा सुनने में आया। उन तीनों लोगों के नाम जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें पुलिस एफआईआर गिरफ्तार करे, उन्हें जेल में बंद करे, यह विश्व हिंदू परिषद की मांग है। और यदि इसमें पुलिस के द्वारा कोई भी हीला हवाली ढील होती है तो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज, पवासा का क्षेत्र चुप नहीं बैठेगा। और फिर हम सभी समाज के लोग बैठेंगे, आकलन करेंगे पुलिस की क्रियाशीलता का, पुलिस की कार्रवाई का, और यदि कार्रवाई में कहीं भी ढील दिखाई देगी तो समाज के लोग बैठकर निर्णय करेंगे। इस मुद्दे पर हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि गलत कार्य करने वाले को समाज में खुला घूमने की इजाजत यह समाज कभी नहीं देगा। उन लोगों के लिए हर कीमत पर जेल के सीसों के अंदर होना ही चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। पुलिस के सभी अधिकारियों से फोन के माध्यम से मिलकर हम पूरी बात अपने मन में समझ पाएंगे, तोल पाएंगे और समाज को बता पाएंगे। पारदर्शिता के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाए, ये हमारी समाज की, हिंदू समाज की और विश्व हिंदू परिषद की सीधी सीधी मांग है। कोई समझौता करने के लिए हमारा समाज कतई तैयार नहीं है।